असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ खून से सने हुए हैं। पिछले 75 सालों में कांग्रेस के किसी भी पीएम ने क्षेत्र के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सरमा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर में तनाव की स्थिति कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि कैसे उसकी गलत नीतियों की वजह से मणिपुर जल रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर संघर्ष को सेना और असम राइफल की मदद से नहीं हल किया जा सकता, लेकिन स्थायी समाधान के लिए लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वह दुनिया को गुमराह न करे। पूर्वोत्तर में जो हो रहा है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस हिंसा में अब तक करीब 160 लोगों की जान जा चुकी है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे पूर्वोत्तर में दुखद स्थिति उत्पन्न की है। समुदायों के बीच रातों रात लड़ाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में जातीय आधार पर झड़पें पहली बार नहीं हो रही है और इससे पहले के संघर्षों में हजारों लोग मारे गए थे। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मणिपुर में झड़पें 1990 के दशक से जारी है। मणिपुर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है और मई की तुलना में अब स्थिति कहीं बेहतर है।